हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट क्वांटम नंबर्स व्हिच इज़ द फाइनल टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। ठीक है, ये क्या है, ये क्वांटम नंबर का लास्ट टॉपिक है, जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, देखो होता क्या है, इट स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ स्पिन एंड इज आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो होता क्या, देखना समझना बात को, ये क्या होता है, जब हमने क्या करा था, जब किसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हमने अंडर हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया था, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्म हुआ था। ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड, ये सारे क्या थे, ये सारे काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड थे, जिन्हें आप डबलेट्स भी कहते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये जो आपके, आपको पता होगा, ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो कि ये है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये रोटेट करेंगे किस डायरेक्शन में करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये बात समझना होगा कि दिस कैन आइदर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, लाइक दिस, और या तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। ठीक है, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन होगी सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होगी। ठीक है, इट विल बी आइदर एंटी क्लॉकवाइज और इट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लो कि आपने इसको रिप्रेजेंट करा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आपने एक को क्या बोल दिया, प्लस हाफ, प्लस हाफ, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को किससे से डिनोट किया, माइनस हाफ से। ठीक है, आपने प्लस हाफ को क्या कह दिया, इसे स्पिन अप कह दिया। क्या कह दिया, स्पिन अप। और सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पिन डाउन। तो फाइनल इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऑर्बिटल्स में, तो ये समझना। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन एक स्पिन अप होता है, एक स्पिन डाउन होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इट कैन बी आइदर स्पिन अप और स्पिन डाउन, दोनों की जो होगी ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होगी। मान लो कि दोनों स्पिन अप है तो ये आपके गलत कॉन्फिग्रेशन है। ठीक है, अब देखते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव सेम स्पिन। यहाँ से समझ में आ गया बात, इट रोटेट्स आइदर इन क्लॉकवाइज और एन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो आइदर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ क्या है, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको समझना होगा। देखो पहला क्या है, नंबर ऑफ सब सेल इन सेल, ठीक है, इन ए सेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ए सेल हो जाएगा। तो एक सेल में, सेल को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, K, L, M, N, ये सारे क्या थे, ये सारे प्रिंसिपल काउंटर नंबर थे। ठीक है, एक प्रिंसिपल काउंटर नंबर में कितने सबसेल्स हो जाते हैं, सबसेल का क्या मतलब था, SPDF जो भी है वो सारे क्या थे, सबसेल्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर समझना इस बात को, ये सबसेल्स कितने हो जाएंगे एक सेल में। तो मान लो कि K है, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल काउंटर नंबर था, हमने फॉर्मूला पता होता है कि N के इक्वल हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, N के इक्वल हो जाते हैं, यानी K में कितने सबसेल हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। L में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। M में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। N में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सबसेल के फॉर्मूला है। अब देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था ये M की वैल्यू, जब आप मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकालते हो तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, 2L+1। ये क्या, किस चीज़ को डोनेट करता है, ये तो एक ऑर्बिटल्स को डोनेट करता है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड ये था, कितने टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। तो इस फॉर्मूला से आप क्या निकालते थे, इस फॉर्मूला से आप दोनों कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो, ऑर्बिटल्स के भी और टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। मान लो कि अगर आपने निकाला, यहाँ पर आपने लिया किसके लिए, आपने लिया पी के लिए। ठीक है, आपको पी के लिए पता है एल की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर 1 हो जाती है। तो आपने एम की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने की ट्राई किया, एम की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो एम की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता था, एम इज इक्वल टू 2L+1। ठीक है, तो अब ये देखो, ये ऑर्बिटल भी निकलेगा और टाइप ऑफ ओरिएंटेशन भी निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर से कितने वैल्यू हो जाएंगे, एल की वैल्यू को कितना पुट करोगे आप, 1 पुट करोगे, यानी M की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये 3 आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, यानी P सबसेल जो है, ठीक है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, और इसकी ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे, 3 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो P सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं
उसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो आप डी के लिए भी निकाल सकते हो, आप एफ के लिए भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, तो यहाँ समझना क्या है ये चीज़, एक सेल में, सेल की बात करें तो यहाँ पर क्या सेल है, के एल एम एन, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सेल हो जाते हैं, ठीक है। और इस सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आप इसे एन स्क्वायर के फॉर्म में निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एन और एन स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, यानी के में कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। एल में कितने हो जाएंगे, फोर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। एम में कितने हो जाएंगे, नाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर एन में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, सिक्सटीन हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपने ऑर्बिटल्स इन ए सेल निकाल लिया। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल, ठीक है, यहाँ समझना। तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो आपने क्या करा, सब सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना लिखा, एम की वैल्यू निकाले, ठीक है, इतने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा हुआ था, एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, टू एल प्लस वन हो सकते हैं। अगर आपने उसे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल। तो ये इंपॉर्टेंट ये समझना। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, तो एन स्क्वायर यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये भी तो ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा था। यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा हुआ था किसी भी सेल में ऑर्बिटल को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, एन स्क्वायर था, ठीक है। आपने क्या करा, एन स्क्वायर से यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लिया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, यानी यहाँ पर क्या निकल गए आपके, इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल निकल गए। चलो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इधर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इससे आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, ठीक है, कौन सा, यहाँ पर चार सेट दिया हुआ है, इसमें कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं होगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एन इज इक्वल टू फोर, एन यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। एल क्या हो गया, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो किसी भी एन के वैल्यू के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाती है, एन माइनस वन हो जाती है, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पर थ्री तक हो सकता है। एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस टू है। तो किसी भी एल के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, टू एल प्लस वन हो जाता है, कितना हो जाता है, टू एल प्लस, और उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, एल टू प्लस एल टू माइनस एल, ये रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी सही है, यहाँ पर एल के लिए जो एम की वैल्यू ये क्या है, माइनस टू से प्लस टू तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एस देखो, एस क्या हो जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, स्पिन क्वांटम नंबर की क्या हो सकती है वैल्यू, केवल प्लस हाफ एंड माइनस हाफ हो सकती है, क्या हो सकती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एन की वैल्यू क्या है, फोर है, उसके लिए एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, फोर, ये गलत है, यहाँ पर गलत है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो एन के लिए वैल्यू यहाँ पर फोर है, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू थ्री है, ये भी सही है। एम माइनस थ्री, ये भी सही है, ठीक है। और ये एस प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है, तो प्लस हाफ, ये भी सही है, यानी ये पॉसिबल है, ठीक है। इधर क्यों नहीं पॉसिबल है, ये भी देख लेते हैं। एन की वैल्यू फोर है, एल की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स ये पॉसिबल है, क्योंकि जीरो टू एन माइनस वन रेंज करता है, ठीक है, जीरो टू एन माइनस वन रेंज करता है। तो यहाँ पर जीरो तो इंक्लूड हो ही सकता है, एम जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। एस जीरो नहीं हो सकता, स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं होते हैं, ये प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, माइनस हाफ या प्लस हाफ हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके लिए क्या सही ऑप्शन हो गया, इसके लिए सही ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम विच कैन हैव एन इज इक्वल टू फोर, ठीक है। एन में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, एन क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यानी ये सेल है, और ये कौन सा सेल है, ये एन सेल है, ये कौन सा सेल है, एन सेल है। तो आपको पता है यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला आता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज इक्वल टू कितना हो जाता था, तो ये क्या हो जाता था, टू एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, फोर है, यानी टू इंटू सिक्सटीन, दिस इज 32। तो इसके लिए सही है, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस ऑर्बिटल में, सॉरी इस सेल में कितने हो जाएंगे, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट में देखते हैं, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर एस ऑर्बिटल इज, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए
उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या थे, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है। ये क्या हो जाता था, ये ब्रैकेट में आ जाता था और यहाँ पर एच बाई टू पाई हो जाता है। तो एल के वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एस फोर एस में। ये देखो ये जो फोर है, ये फोर क्या है, ये प्रिंसिपल काउंटर नंबर है, ठीक है। ये एन की वैल्यू है और ये जो एस है ये क्या है, सबसेल है, ठीक है। यही तो एल होता है, इसी को आप एल से रिप्रेजेंट करते हो, अजीमुथल काउंटर नंबर। और इसके लिए वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर जीरो को पुट करोगे, तो यहाँ पर अगर आपने जीरो को यहाँ पर पुट करा, ठीक है, एल इंटू जीरो प्लस वन, और यहाँ भी ये भी वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे एस सबसेल के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ये AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डी ऑर्बिटल के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो डी क्या है, ये सबसेल है, ये क्या है, ये सबसेल है। और सबसेल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसे आप एल से प्रेजेंट करते हो। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कितनी थी, वो कितनी थी, 0, 1, 2, ठीक है। ये क्या था, 2 के इक्वल था। तो अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। और इसके लिए अगर रिड्यूस्ड प्लैंक कॉन्स्टेंट के टर्म्स में लिखा जाता है, अगर एच बार के टर्म्स में, तो आप इसे क्या लिखते थे, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन एच बार। ये एच बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिड्यूस्ड प्लैंक कॉन्स्टेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, डी के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टू एल प्लस वन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टोटल 2 × 3 रूट अंडर एच, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट सिक्स एच एच बार, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, एच बार रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो इसके आंसर क्या हो जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगी बी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जितने भी क्वांटम नंबर्स थे सारा बता दिया, ठीक है। इसमें कुछ बताने को है नहीं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और जो अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके बारे में देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।